अस्सलाम वालेकुम। ये कोफ्तों के लिए मैंने दो प्याज, इस साइज़ के दो प्याज डाले, काटे, नहीं सारी मैश किए, चॉप कर लिए, और इसमें अब ये आलू भी डालूंगी। आलू मैंने मिनी चॉपर में डाल रही हैं इसको। इसमें ये ग्रीन चिली हैं तकरीबन 8-10, ये भी डालूंगी। और आलू और प्याज मैंने मैश कर लिए हैं। कीमा जो है वो तकरीबन 2 पाउंड है, ब्रेस्ट का मैंने लिया है, तो तकरीबन आप कह लें कि 1 किलो हो गया। इसमें 2 टमाटर डालूंगी और इतना सारा अदरक, क्योंकि अदरक से जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है कोफ्ते का। इसको भी मैंने मिनी चॉपर में डाल दिया है। मिर्चें, टमाटर 2 और थोड़ी सी अदरक। ये देखें फाइनल लुक, टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें, और इतना सा 2 बड़ी चम्मच कह लें या 3 कह लें बेसन की। अभी सब इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, नमक 1 चम्मच, थोड़ी सी मैंने डाली है क्या कहते हैं चिली फ्लेक्स, दरदरी मिर्च, और थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ इसमें। और अब इसमें सब मिक्स करूँगी। माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। और ये है हरा धनिया, ये भी डालूँगी इसमें ताकि इसमें अच्छी टेस्ट आए और खुशबू आए। माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। अब सब कुछ इसमें डाल के अब इसको मिक्स करूंगी ताकि, बिस्मिल्लाह। लें जी फाइनल लुक मिक्स की। इनको हल्की आंच पर पकाएं और ऐसे जब ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो जाए तो इनको ना थोड़ी देर और ही पकी रहने दें। अभी आधे पके आधे कच्चे हैं। ओके जी, यहाँ पर तड़का शुरू कर दिया मैंने। इसमें हल्दी, सूखा धनिया, अदरक, थोम, प्याज सब कुछ डाला मैंने। सारी रिकॉर्ड नहीं किया जो नॉर्मल तड़का चिकन का होता है, चिकन कौरमा का। और यहाँ पर कोफ्ते नीली रेडी हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें तड़का तैयार है। और कोफ्ते भी रेडी हैं। ऐसे थोड़ा सा तेल डाल के फिर इनको मैं थोड़ी देर ढक्कन लगा के रखा, तकरीबन आधे घंटे बाद आराम से मीडियम गैस पर मैंने पकाए। अब माशाल्लाह से तैयार हैं।
ये देखें जी फाइनल लुक, कोफ्ते तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। इसमें आलू भी डाले मैंने।